है और इसको बनाने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर गौतम सर, हमारे विद्यापीठ के शुक्ला सर, सिस्टर्स मैडम और आपके जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, सभी साथियों को और आप जारी हुई प्रणाम करती हूँ। जैसे महिला दिवस आता है, मैं कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर रही हूँ, लेकिन मैं पिछले साल से और हम आप जैसी महिलाएं हमारे विद्यापीठ में भी ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हुए हैं, तो उसमें ऐसे महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं जैसे आप लोगों ने बना रखे हैं और अपने आप को सक्षम बनाने के लिए रात दिन जुटी रहती है। तो इतनी महिलाओं देख कर मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आप ये सोचा कि इस दिवस मनाया जाए, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि हम ये क्यों मना रहे हैं, हम ये लाने के लिए कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हम आदि दुनिया हैं, दुनिया की आदि दुनिया हम हैं, हमारे पास कितनी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने भाषण में बताया आप नहीं कर सकते हो, जब आप 30 करोड़ में आप एरोप्लेन उड़ा रहे हो, आप कई तारीख कोई फील्ड, कई बार होता है इंजीनियर्स लड़कियां हैं, माइनिंग का लड़कियां नहीं कर सकती, इंजीनियर नहीं कर सकती, आज तो मिलिट्री में भी लड़कियां, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र की बच्ची उसमें औरतें और महिलाएं काम नहीं कर रही, हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है। और मैं तो कि महिलाएं अपना बहुत बेहतर तरीके से कर रही है, अगर उनको आप कोई काम सौंप दिया जाए और बोला जाए कि आप काम इस तरीके से करना है, तो वो अपना एक पूर्ण देकर उस कार्य को पूरा करती है। तो लोग बस यही चाहते जितनी भी महिलाएं हैं और ये जो घरेलू महिला श्रमिक से जो जुड़ी हुई है, और उसके लिए मैडम का सिस्टर भी काफी काम कर रही है कि उनको भी एक अधिकार मिले, उनको भी एक कुछ दर्जा मिले और उनका भी कुछ वेतन फिक्स हो। मैं बस इसमें इतना कहना चाहूंगी कि आप जो ये घरेलू काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व करी है उसमें ये होता है कि सपोज जैसे कोई झाड़ू पोछे या बर्तन करती है और फिर या आधे घंटे मुझे आधे घंटे का जो है, मतलब जिसका हो जाता है वो एक घर में उसे एक घंटा काम करके काफी है, लेकिन अगर वो इसी के साथ उस घर को व्यवस्थित करना है तो उसके साथ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कुछ 800-2000 रुपए अगर आपका तय किया है तो उस घर को कैसे व्यवस्थित रखना है, आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं उसमें, साफ सफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, रूम को कैसे सजा सकते हैं, बाहर क्या गार्डनिंग का काम कर सकते हैं और दूसरा क्या कार्य कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं तो जहाँ एक महिला 1500-2000 की डिमांड करती है, दूसरी 4000 की करेगी तो भी वो लोग देने को तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें ही लगेगा कि इसमें कुछ स्किल है। तो जो सर अभी बता रहे हैं कि हम श्रमिक शिक्षा बोर्ड में सबको स्किल डेवलपमेंट, तो जो आप अपना कार्य करते हो उसमें आपकी पूर्ण निपुणता हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। फिर हम ये चाहते हैं कि हम चलो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, हमारी बच्चियां हमारे बच्चे वो सब कुछ और पढ़े आगे बढ़े, मतलब ये किया कि उसको नौकरी करनी करनी है, आप कार्य करते हैं और उसमें कोई शिक्षित व्यक्ति उसी कार्य को करता है तो उसकी क्रिएटिविटी कुछ अलग होती है ना। आपने देखा कि आप करते 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 सीखेंगे, तो जब वो बच्चा ज्ञान अर्जित कर रहा है, कोई बच्ची ज्ञान अर्जित कर रही है तो वो अपना काम बेहतर तरीके से कैसे कैसे जिए, कहाँ वो अकेली जा सकती है, नहीं तो उसको रहेगा मैं तो कहीं घर से बाहर ही नहीं निकली, उदयपुर से बाहर ही नहीं गई मैं, तो मैं अकेले कैसे जाऊँ, कौन किससे बात करनी चाहिए, कौन इंसान सही है, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो शिक्षा से आपको बहुत दूसरी चीजों का भी ख्याल होता है, शिक्षा का मतलब कि और मुझे नौकरी करनी करनी है। आज जब मैं सर्वे पढ़ी तब मुझे लगा कि अमेरिका में कोई एक व्यक्ति नौकरी करता है तो वो $67,000 साल के कमाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना छोटा सा बिजनेस भी करता है तो 1,00,000 के कमाता है, बिजनेस में और लोगों को जोड़ और लोगों को बढ़ाता है और किसी की गुलामी भी नहीं करनी पड़ती। तो हम जब अपना कार्य खुद कर सकते, अभी आप देख रहे हो
हम लोग जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें ये है कि आप स्टार्टअप करने के लिए बच्चों को, जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में है कि आप अपना एक छोटा स्टार्टअप करो तो उसमें आपको सरकार सहयोग करती है, आप अपना कितना परसेंट सब्सिडी मिलती है। आज आप एक एग्रीकल्चर का फील्ड उठा के देखो तो गांव में सबसे ज्यादा कृषि का कार्य औरतें करती है कि नहीं, वो घर का काम भी करती है और जो खेत है उसको भी बहुत अच्छे से देखती है और बच्चों को भी संभालती है। मैं तो कहूँ कि मतलब वो घर का 80% काम कर देती है और उसका जो योगदान होता है वो इतना, मतलब आप सोचो कि जब पैसे लेने की बारी आती है तो उसको पुरुष अपने साथ खड़ा करते हैं, कई घरों में ऐसा है ना होता है। हम लोग कई कई जगह काम करते हैं, उसमें अगर साथ काम करते तो आर्थिक रूप से आपको सक्षम करना, मतलब एम्पावरमेंट किसकी, पैसे बाहर निकलते हैं और हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 5 रुपये 50 रुपये 100 रुपये तो हमें कहते हैं बाहर जाएंगे तो पैसे तो होने चाहिए। तो अगर आपकी जेब में 500, 1000, 2000 है तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं कि हाँ मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी जरूरत पड़ गई तो मेरे पास क्या है, पैसा है। तो पैसे की भी अपनी एक ताकत होती है काम के साथ साथ। और महिलाएं किस तरह से सक्षम बने, किस तरह से आत्मनिर्भर बने, किस तरह से अपना पैसा बचाए, पैसा कमाए, इसीलिए जैसे आप ये घरेलू कार्य करते हैं उसमें भी ये कोई छोटा कार्य नहीं, ये बहुत बड़ा काम है जो आप दूसरे लोगों को सहयोग कर रहे हैं घर के काम करके, ये भी कोई छोटा काम नहीं है। क्योंकि आप देखो जिनके काम करते हो वो ये सब कर ही नहीं पाते, पूरा दिन हो जाता तो नहीं कर पाता, वो पूरा दिन उसी काम में लगे रहते हैं, आप उसको 1-1.5 घंटे में काम करके अपनी स्पीड, तो ये भी एक आपकी क्या है, कौशल है, कला है कि आप उस काम को कैसे कर रहे हो। तो बस ये कहना है कि आपको मतलब राजनीति हो चाहे शिक्षा हो कोई सा भी क्षेत्र हो उसमें अपने को आत्मनिर्भर बनना, मतलब अपने को 2 पैसे के लिए सोचना पड़े कि हाँ मुझे ये पैसा मांगू तो कुछ काम होगा। तो इसलिए बस ये आज की तारीख में आप सबसे पहले आप जरूर, अगर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो, माँ को है ना, सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी, माँ को। तो लड़की को मजबूत करना, जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी किसकी होगी, माँ की, कि उसको कल कोई प्रॉब्लम नहीं आए और वो आगे से आगे बढ़े। आज आप देखते हो किसी भी क्षेत्र में जब लड़की भी कुछ, हाँ देखो आज मैं इतने नंबर लाई, आज मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन, तो सबसे ज्यादा खुशी भी किसको होती है, माँ को। तो माँ का आपने रोल देखा, इसलिए उसको सक्षम बनाना, उसको आत्मनिर्भर करना, उसको आगे बढ़ाना, वो सारी जिम्मेदारी भी माओ की हो जाती है। तो आप सब अपनी बच्चियों को भी बहुत अच्छा पढ़ाएं, उनको आगे से आगे क्षेत्र में भेजें, उसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रखी है, उस योजना के लिए गौतम सर अगली बार कोई ऐसा रखें उसमें प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं जिसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं, सपोज आपका मन आया कि मुझे तो ये कोई एक मशीन लगानी है, इसका खर्चा जो है वो 1 लाख रुपए होगा, आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ सबमिट करो, 50,000 की आपको सहायता वो दे देंगे, वापिस भी नहीं लेंगे, वो 50,000 सरकार आपको देगी, 50,000 आपको लगाना है। ऐसी कई सारी स्कीम्स है, उसमें आपको सब्सिडी है, आप अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लोगों को आगे बढ़ा सकते हो और एक नई दिशा में पहुंच सकते हो। इसके हम कहते हैं